लॉकडाउन के 6 महीने बीतने के बाद भी ये सवाल बना हुआ है कि आखिर स्कूल्स कब से खुलेंगे। बच्चों से लेकर माता पिता तक सबकी यही चिंता है। एक तरफ जहां देश में कोरोना के मामलों ने केवल 10 दिनों में ही 15 लाख से 21 लाख तक का सफर तय कर लिया है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार सितंबर के महीने से स्कूल्स खोलने की तैयारी कर रही है। सरकार का मानना है कि एक चरणबद्ध तरीके से देश भर में स्कूल्स खोले जा सकते हैं, जिसमें 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों से शुरुआत की जाएगी। सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार शुरुआती तौर पर 10वीं और 12वीं क्लास से शुरू की जाएंगी, उसके बाद 6ठी से 9वीं क्लास के बच्चों को बुलाया जाएगा। पहले चले आ रहे स्कूल्स के टाइमिंग में भी बदलाव किए जाएंगे, अब महज 3 से 4 घंटे का ही स्कूल हुआ करेगा। स्कूल्स आने वाले दिनों में 2 शिफ्टों में काम करेंगे, जिसमें बीच में 1 घंटे का गैप दिया जाएगा ताकि क्लासेस में सैनिटाइजेशन का काम किया जा सके। सरकार के अनुसार प्राइमरी क्लासेस के बच्चों को बुलाना अभी ठीक नहीं होगा। हालांकि इस बीच स्कूल्स को केवल 33% टीचर्स और बच्चों के साथ ही शुरू करने बोला जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के आखिर में अनलॉक 4 की गाइडलाइंस इशू की जाएंगी, जिसमें इस फैसले को शामिल किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने इसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर रखी है। पिछले महीने मंत्रालय ने पेरेंट्स से सुझाव मांगे थे कि आखिर कब स्कूल्स को खोला जाना चाहिए। इसके साथ राज्यों ने भी अपने सुझाव भेजे थे कि आखिर उनके अनुसार कब ठीक समय है उनके राज्य में स्कूल खोलने का। My name is Amit Gupta and my son is studying in Delhi Public School. Till the time being, the school is organizing online classes. I'm absolutely fine with it. I have no issues at all. But if in case the government is looking out to reopening of a school in a phase-wise manner, though they have asked for states also, parents have been tweeting and reaching out to the chief minister, reaching out to the principal of their various schools, and they are not very happy, if these schools are reopened and they have to send their kids or sons or daughters to the school. Till the time being, we don't have any permanent solution to it. I would request ministry or the minister of concern not to reopen the school till the time being we have a permanent solution. I particularly is not very keen and interested in sending my son to his school. I would rather take a break for a year rather to put his health on risk. So on behalf of all the parents, I request education minister not to reopen the school, especially to those kids who are studying up to a level of grade 10. Thank you. इसमें दिल्ली ने अगस्त के महीने में ही स्कूल खोलने का सुझाव दिया, तो वहीं दिल्ली से सटे हरियाणा ने 15 अगस्त के बाद कभी भी स्कूल खोले जाने का सुझाव दिया। जिन राज्यों में केस सबसे ज़्यादा हैं, जैसे मुंबई और बंगाल, उन्होंने अभी इस पर कोई भी फैसला नहीं किया है। खैर, जिस तरह से देश में कोरोना के वायरस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे में पेरेंट्स भी अपने बच्चों को स्कूल्स भेजने से कतरा रहे हैं। सरकार का मानना है कि स्विट्जरलैंड जैसे देश भी स्कूल खोलने को तैयार हैं, हालांकि इसराइल जैसे देश पहले ही इसका अंजाम भुगत चुके हैं। दरअसल इसराइल ने मई महीने में ही स्कूल्स खोल दिए थे, लेकिन जब स्कूल से कोरोना के मामले निकलने लगे तो आखिरकार उन्हें बंद करना पड़ा। 240 स्कूल बंद करने के साथ वहाँ 22,250 टीचर और स्टूडेंट को क्वारंटीन तक करना पड़ गया था। कुल मिलाकर भारत में जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे में स्कूल्स खोलना खतरनाक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक। आखिर कब खुलेंगे स्कूल, ये सवाल अब डर में बदल गया है। केंद्र सरकार चाहती है कि सितंबर से लेकर नवंबर महीने के बीच बड़ी क्लासेस के लिए स्कूल्स खोल दिए जाएं। वहीं अभिभावकों को अभी कोई जल्दी नहीं है। उनका कहना है कि प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और मास्क वेयरिंग जैसे नॉर्म्स कैसे फॉलो किए जाएंगे, इस पर कोई एसओपी अभी जारी नहीं किया गया है। जबकि फाइनल डिसीजन राज्य सरकारों पर होगा। दिल्ली ने कहा है कि क्योंकि केसेस कम हैं, वो अब इस बारे में नहीं सोचना चाहते क्योंकि केसेस बढ़ भी सकते हैं, लेकिन कर्नाटक ने साफ मना कर दिया है। तो अब राज्य सरकारों को डिसाइड करना होगा कि स्कूल आखिर कब खुलेंगे।